दिस बॉडी इज ऑब्टेन्ड बाय हिज ग्रेस द गेट ऑफ लिबरेशन इज फाउंड. हम जो हैं वो पूरी मानव जाति का, पूरे अस्तित्व का, मानव जाति तक ही सीमित नहीं रखिए, समूचा इतिहास है. तो जब कहा जा रहा है बाय द परमा ऑफ पास्ट एक्शंस द रोब ऑफ दिस फिजिकल बॉडी इज ऑब्टेन्ड, तो बात बिल्कुल ठीक कही जा रही है. लेकिन इसमें कोई ये भ्रम ना पाले कि पिछला जन्म जो था वो आपका था. अनंत जन्म हुए हैं, अस्तित्व के अनंत जन्म हुए हैं. समय का अर्थ ही है जन्म. हर क्षण जन्म है, हर क्षण मृत्यु है. एक क्षण के जाने का अर्थ होता है कि वो क्षण गया, अब वो लौट के नहीं आएगा कभी. समय ही मृत्यु है. और हर समय, हर क्षण अपने आप में एक नई शुरुआत होता है. हर क्षण जन्म है, हर क्षण ही मृत्यु है. लेकिन किसकी? आपकी नहीं, समूचे अस्तित्व की. तो जब बात कही जा रही है बाय द कर्म ऑफ पास्ट एक्शंस द रोब ऑफ द फिजिकल बॉडी इज ऑब्टेन्ड, बात बिल्कुल ठीक है. लेकिन उसमें ये अहंकार मत घुसेड़ लेना कि मेरा पिछला जन्म या मेरा अगला जन्म. तुम्हारा पिछला अगला जन्म नहीं होता, समूचा अस्तित्व पुनर्जन्म लेता है. देखो, समुद्र होता है, इस उदाहरण को ध्यान से समझो. समुद्र होता है, उसमें लहरें उठती हैं और गिरती हैं. एक लहर उठी और गिर गई, और थोड़ी देर बाद एक और लहर उठेगी. क्या ये पिछली लहर का पुनर्जन्म है? क्या ये पिछली लहर का पुनर्जन्म है? समुद्र में पुनर्जन्म हो रहे हैं, समुद्र का पुनर्जन्म है, लहर का नहीं. लहर तो बस थी और गई, और वो लौट के नहीं आएगी. अब वो लौट करके नहीं आएगी. लहर को कोई हक नहीं है कहने का कि मेरा पुनर्जन्म होगा. समुद्र मात्र को हक है ये कहने का कि मेरा पुनर्जन्म होता है. मजे की बात, समुद्र की तो कभी मृत्यु ही नहीं होती, तो उसका पुनर्जन्म कैसा? मृत्यु किसकी होती है? पर जन्मता बार बार कौन है? समुद्र. वो बिना मरे बार बार जन्मता है, वो बिना मरे बार बार जन्मता है. लेकिन सबसे ज्यादा रुचि किसकी है ये दावा करने में कि मैं फिर लौट के आऊंगा? लहर की. क्योंकि लहर डरी हुई है, समुद्र डरा ही नहीं है. जिसका वास्तव में पुनर्जन्म होता है और जो वास्तव में बिना मरे बार बार जन्म लेता है, वो कभी ये कहने ही नहीं आता कि मेरा अगला पिछला कोई जन्म है. सबसे ज्यादा अगले पिछले जन्मों की वो बात करते हैं जो बहुत डरे हुए हैं. और जिनको डर किससे लग रहा है, समझना इस बात को, लहर को किससे डर लग रहा है? गलत कह रहे हैं आप. लहर को खत्म हो जाने से डर नहीं लग रहा है, लहर को समुद्र से डर लग रहा है. लहर जानती है कि कहां से उठी है, समुद्र से. लहर जानती है कि कहां मिल जाएगी, समुद्र में. विचार भले ना हो ये लहर का, पर भीतर कहीं गहराई से वो ये जानती है कि समुद्र से ही उठी हूं, समुद्र में ही मिल जाना है. और मजे की बात, समुद्र से ही वो डरती है. समुद्र से जो डरते हैं, समुद्र समझ रहे हो ना कौन है? वही पूर्ण. जो समुद्र से डरते हैं, जो समुद्र में दोबारा मिल जाने से डरते हैं, सिर्फ वही हैं जो पुनर्जन्म के फेर में पड़े रहते हैं. नहीं तो कैसा पुनर्जन्म? जो मर ही नहीं सकता, क्या वो दूसरे जन्म की परवाह करेगा? जिसने अपने नित्य स्वरूप को जान लिया, वो कहेगा अरे हम पैदा ही कब हुए थे जो मरेंगे, और जब मरे नहीं तो अगला जन्म कैसा? हमारा पिछला ही नहीं हुआ, अगला की क्या बात करते हो? पर हिंदुओं में खास तौर पे ये धारणा बहुत बलवती है कि अगला पिछला जन्म होता है. और वो ये सवाल कभी करते ही नहीं कि किसका पिछला जन्म और किसका अगला जन्म. जो ही ये सवाल करोगे त्यों ही बात खुलने लगेगी. समझ रहे हो? उसने कन्वर्सेशन आपके और आशीष के बीच में पोस्ट किया था व्हाट्सएप पे, तो वो पूरी एक्सप्लेनेशन दी कि अभी जब बता रहे हैं कि अस्तित्व का पुनर्जन्म होता है आपका, पर वो जो बार बार जन्म हो रहा है वो तो
अलग अलग फॉर्म्स में ही हो रहा है और हर फॉर्म की सिचुएशन अलग अलग होती है. जैसे आपसे एक बार मैंने पूछा था एक ही घर में दो लोगों का मानसिक तौर से अलग अलग सोच हो सकती है, तो दोनों की अपनी अपनी डेस्टिनी सॉर्ट ऑफ सेम होगी. तो इस पूरे चीज़ का ना मुझे जैसे उस दिन कन्वर्सेशन में मुझे पूरे दिन समझ नहीं आया कि देखो लहर है ये भी कौन कहेगा, लहर ही कहेगी. जिस दिन तुम अपने आप को समुद्र जान लोगे उस दिन तुम ये कहोगे ही नहीं कि मैं एक लहर हूं जो दूसरी लहर से अलग है. जब तुम कह रही हो कि सबका जन्म अलग अलग तौर पे होता है, यहां सब अलग अलग लोग बैठे हैं, ये अलग अलग तुम तभी तक कह रही हो जब तक तुमने अपने आप को लहर जाना है, समुद्र नहीं. आत्मबोध का अर्थ ही यही है कि मैं समुद्र हूं, लहर दिखता हूं, लहर दिखता हूं, हूं समुद्र. अब कहां कुछ अलग अलग बचा, अब कहां कुछ अलग अलग बचा. जब तक तुम लहर हो तब तक करोड़ लहरें हैं, जब तक तुम लहर हो तब तक करोड़ लहरें हैं, जब तुम समुद्र हो तब फिर मात्र समुद्र है. जब तक तुम लहर हो तब तक क्या है, करोड़ लहरें, और जब तुम समुद्र हो फिर मात्र समुद्र है, हर लहर समुद्र है. समुद्र के बारे में डर तो नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा. लहर होने का ही अर्थ है मौत के खौफ में जीना. लहर है तो मिटेगी, समुद्र ही है जो अमरता के मजे में जीता है. मैं नहीं मिटूंगा, लहर तो मिटेगी. सर जब एक चीज का इसमें थोड़ा सा ये कंफ्यूजन हो रहा है कि श्री कृष्ण जब ये कहते हैं कि मैं ही सबका कारण हूँ या मैं जो भी मैं हूँ सबका कारण हूँ, तो वो फिर किस धर्म की स्थापना की बात करते हैं और धर्म अधर्म की बात करते हैं? लहर का क्या धर्म है? और याद रखना लहर का जो भी धर्म होगा वो लहर का ही धर्म होगा, इसी को स्वधर्म कहते हैं. लहर का क्या धर्म है? सागर में जाना. लहर का धर्म है अपनी लहरता से मुक्त हो पाना. और लहर का वो धर्म क्यों है? हर धर्म का कुछ उद्देश्य होता है, वो उद्देश्य किसके लिए होता है? लहर मात्र के लिए होता है और किसी के लिए नहीं. लहर खौफजदा है, आक्रांत है, किससे? समुद्र से, आती हुई मृत्यु से. उसका धर्म इतना ही है कि वो इस भय से मुक्त हो पाए. धर्म क्या है? जो मन को परम की दिशा दे, जो मन को परम की दिशा दे, बस वही धर्म है. और धर्म सिर्फ मन के लिए ही है. जो केंद्र पर बैठा योगी है उसका कोई धर्म होता नहीं, उसे किसी धर्म पे नहीं चलना. धर्म तो उनके लिए है जिन्हें अभी चलना है, जिनकी यात्रा अभी पूरी नहीं है. समुद्र का कोई धर्म नहीं है, समुद्र का मात्र होना है. लहर के पास धर्म होगा. केंद्र का कोई धर्म नहीं है, परिधि का धर्म है. क्या? केंद्र की तरफ जाना, अपने आप को केंद्र जानना. केंद्र का क्या धर्म है? कुछ नहीं है, वो कोई धर्म नहीं उसका. हाँ हाँ. और जिसने अपने आप को केंद्र पर जान लिया वो धर्म से मुक्त है. अब उसे नहीं पालन करना धर्म का. पंचदशी में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है जहां कहा गया है कि धर्म मैं खूब जानता हूं पर धर्म पे चलने का मेरा मन नहीं करता. अधर्म भी मैं खूब समझता हूं पर अधर्म से मुझे कोई घृणा नहीं है. धर्म मैं खूब जानता हूं पर धर्म पे चलने का मेरा मन नहीं करता. अधर्म मैं खूब जानता हूं
पर अधर्म की राह से बचना नहीं चाहता। मेरे तो भीतर कोई बैठा है वो जिधर कहता है मैं चल देता हूं। अब मेरे लिए धर्म अधर्म कोई मायने ही नहीं रखते, ना मुझे धर्म की दिशा चलना है ना अधर्म की राह से बचना है। मेरे तो भीतर कोई बैठा है वो जिधर चलाता है हम उधर चल देते हैं। इस स्थिति में धर्म अधर्म खत्म हो जाते हैं। क्या कह रहे थे बुल्ले शाह, की जाना में कोई रे बाबा की जाना में कोई, जो कोई भीतर बोले चाले जात असाडी सोई। अब यही धर्म है, कोई है भीतर वो बोलता चलता है, हम उधर कोई चलते हैं, हमें नहीं किसी और धर्म का पालन करना, उसी की आवाज सुनते हैं और वही कर देते हैं, वही जीवन है हमारा। कृष्ण भी क्या कह रहे हैं अर्जुन से कि तेरा क्या धर्म है, मेरी बात सुन। पूरी गीता में इसके अतिरिक्त तो कुछ और तो नहीं कहा अर्जुन को, इतना ही कहा है ना, क्या धर्म है तेरा। और क्या कह रहे हैं बुल्ले शाह, जो कोई भीतर बोले चाले जात साडी सोई। दोनों बातों में सामने अब दिख रहा है, कृष्ण कह रहे हैं मैं वही हूं जो तेरे भीतर बैठा है, मेरी बात सुन। मेरी बात से उनका आशय क्या है, आत्मरूप हो जा, केंद्र पर जाकर बैठ जा, भाषा का भेद है बस।